बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कंपाउंड के बारे में। हमने जैसे स्टडी किया एटम्स के बारे में कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, उसके बाद हमने देखा एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं जिनको ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमने देखा सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं, सेम एटम्स, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर केमिकली। केमिकली जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर का कंपाउंड मीन्स टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के दो एटम और एक ऑक्सीजन का जब जॉइन होगा तो वो क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का कंपाउंड बनाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्या है? अमोनिया। इसमें क्या है? NH3 मीन वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मतलब डिफरेंट है ना, नाइट्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये कंबाइन हुए तो इन्होंने एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम क्या है? अमोनिया। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक सेपरेट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक सेपरेट एलिमेंट, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ कार्बन जब कंबाइन हुआ तो उसने कंपाउंड बनाया कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड में टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम ऑफ ऑक्सीजन जब कंबाइन हुए तो उन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाया जो कि कंपाउंड है। मींस कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जॉइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड को शो किससे किया जाता है? केमिकल फार्मूला, जैसे वाटर को H2O, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। नंबर ऑफ कंपाउंड बोथ नमेरस से वाटर, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब कंपाउंड्स की एग्जांपल है।